टेक क्वेश्चन चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो कल्ट ग्लैडिएटर के ऊपर है। कल्ट एक इंडियन ब्रांड है। इसके पहले कल्ट ने कल्ट 10 और कल्ट बियॉन्ड स्मार्टफोन्स रिलीज कर चुके हैं। सो अब तीनवा फ़ोन यानी थर्ड फ़ोन कल्ट बियॉन्ड, इसके ऊपर आपको डिटेल्स मिलेंगे यहाँ पे, स्पेसिफिकेशंस, प्रोस कॉन्स और मेरे ओपिनियंस। पूरे डिटेल्स के लिए आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। और इससे पहले आपने टेक क्वेश्चन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही नए वीडियोस लाते रहते हैं। और घंटी बाजू होगी उसे दबाइए, आपको गारंटी नोटिफिकेशन मिलेगा नया वीडियोस अपलोड करते ही। सो चले स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। कल्ट ग्लैडिएटर एक बजट स्मार्टफोन है, 7000 के रेंज में यानी 6000 रुपीज़ के रेंज में आपको मिलता है। इसका सेल्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 24 सितंबर को, और सेकंड सेल बहुत जल्द होने वाला है। और देखते रहिए, अगर आपको ये फ़ोन लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिया हूँ, वहाँ से ले सकते हैं अगर आपको लेना है तो। और चलिए इसके स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं। इसमें आपको 5.5 इंच 720 पिक्सल की HD डिस्प्ले मिलती है। ये एक ऑन सेल HD IPS डिस्प्ले है। इसमें आपको 2.5D करोड़ ग्लास मिलता है, और इसमें आपको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलता, यानी कोरिंग गोरिल्ला ग्लास वगैरह नहीं मिलता। इसमें आपको रेयर कैमरा 13 MP दिया गया है। ये एक आउट ऑफ फोकस कैमरा है। इसके साथ साथ आपको एक LED फ्लैश भी दिया गया है। और इस फ़ोन से आप HD वीडियोस निकाल सकते हैं, फुल HD वीडियोस निकाल सकते हैं। इसमें फ्रंट फेसिंग कैमरा आपको 8 MP मिलता है। इसके साथ साथ आपको एक LED फ्लैश भी मिलता है, और इसमें आपको फेस ब्यूटी, फ़ोटो फिल्टर्स वगैरह भी मिलते हैं। इसमें आपको मीडिया टेक का 6737 क्वाड कोर प्रोसेसर मिलता है। ये 64-bit का क्वाड कोर प्रोसेसर है, 1.2 GHz के ऊपर काम करेगा। और इसमें आपको माली T720 दिया गया है GPU, और इसमें आपको 3 GB रैम मिलता है, 32 GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है, और इसमें आपको 4G VoLTE कनेक्टिविटी मिलती है, यानी 2 SIM भी डाल सकते हैं आप, और एक मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हैं, यानी 3 स्लॉट्स भी इसमें दिया गया है, 2 SIM और एक मेमोरी कार्ड के लिए आप 3 भी डाल सकते हैं। और इसमें आपको हाइब्रिड वगैरह नहीं है, 3 स्लॉट्स फ्रीली आप डाल सकते हैं। फ़ोन का डिज़ाइन बहुत अच्छा है देखने में, स्लिम और कर्व्स आपको मिलते हैं कोनों में, और आपको फ़ोन बहुत ही ग्रिपी मिलेगा, यानी पकड़ने में ग्रिप रहेगा, पिसलेगा नहीं। और ये मेटल बॉडी के साथ भी आता है फ़ोन, तो आपको बीच में मेटल मिलेगा, ऊपर नीचे आपको प्लास्टिक मिलेगा, बेटर सिग्नल्स के लिए। आपको पीछे एक फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा इस फ़ोन को, और ये फिंगरप्रिंट सेंसर जल्दी ही लॉक अनलॉक हो जाता है बहुत फास्ट ही। और इसमें आपको OTG सपोर्ट भी मिलता है। और इसके सेंसर्स कुछ इस तरह है, इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर है, एक्सेलेरोमीटर है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, एम्बिट लाइट सेंसर है, और ई कंपास भी है। और अगर आपको ये फिंगरप्रिंट टच करना है तो 360 डिग्रीज में आप कहीं भी से भी क्लिक कर सकते हैं, आपको ये फ़ोन लॉक अनलॉक हो जाएगा। इस फ़ोन में आपको कुछ स्पेशल फीचर्स भी मिलते हैं। LED नोटिफिकेशन, इसमें LED नोटिफिकेशन भी है, आपको लाल और रेड, ग्रीन, वाइट 3 तरह के नोटिफिकेशन मिलते हैं LED के साथ। और इसमें आपको स्मार्ट अवेक ऑप्शन भी दिया गया है, अगर आप फ़ोन को टच करेंगे या इस तरह करेंगे तो आपको स्क्रीन ओपन हो जाएगी। और इसमें आपको कुछ गेस्चर्स भी दिए गए हैं, गेस्चर्स M मतलब म्यूज़िक, C मतलब म्यूज़िक प्लेयर, C मतलब कैमरा, ऐसा आपको ओपन हो जाएगा। इस फ़ोन में आपको 4000 mAh बैटरी मिलती है, एक हागी बैटरी है। और ये फ़ोन आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता, बस नॉर्मल क्विक चार्जिंग ही सपोर्ट करता है। इस फ़ोन के साथ आप कुछ ऑफ़र्स भी ले सकते हैं, जियो सिम लेंगे तो आप इस फ़ोन के साथ आपको 20 GB एक्स्ट्रा मिलेगा डेली 4 GB लिमिट में, और 365 डेज का वारंटी मिलेगा, यानी फ्री वन टाइम स्क्रीन ब्रेकेज वारंटी। अगर आपका फ़ोन 365 डेज में एक बार ब्रेक हो गया तो आपको फ्री रिप्लेसमेंट मिल जाएगी, यानी स्क्रीन रिप्लेसमेंट फ़ोन का नहीं। तो आउट ऑफ द बॉक्स ऑनड्रॉइड नूगट दिया गया है 7.0, ये पूरी तरह आपको स्टॉक ऑनड्रॉइड मिलता है इसमें। और ये फ़ोन मेड इन इंडिया फ़ोन है, यानी कंपनी भी मेड इन इंडिया है, बट अंदर के पार्ट्स आपको मेड इन चाइना ही मिलते हैं। इस फ़ोन के आपको सर्विस सेंटर्स पूरे इंडिया में मिल जाएंगे, 750+ सर्विस सेंटर्स हैं,
यानी 750 सर्विस सेंटर से इंडिया, पूरे इंडिया में। फ़ोन लेना है तो आपको अमेज़न से लेना ही पड़ेगा, अमेज़न एक्सक्लूसिव है, आपको फ्लिपकार्ट पे नहीं मिलेगा यह फ़ोन। और पूरी तरह आपको स्पेसिफिकेशन इस तरह मिलते हैं कल्ट ग्लैडिएटर स्मार्टफोन पे। कल्ट ग्लैडिएटर में अब हम प्रोस कॉन्स देखेंगे। पहली प्रो तो ये फ़ोन की तो प्राइस ही है 7,000 रुपये, तो ये पहली प्रो बन जाती है। दूसरी प्रो, आपको इसमें 3 स्लॉट्स दिया गया है, यानी आप 2 सिम के साथ एक मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हैं, तो ये भी प्रो बन जाता है। और इसमें आपको 4000 mAh बैटरी मिलती है, ये एक अच्छा प्लस पॉइंट है। तो आपको 4000 mAh बैटरी चाहिए तो आप ये फ़ोन ले सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको 5.5 इंच HD स्क्रीन मिलती है, ये HD है बट स्क्रीन साइज़ बड़ी है। और आपको इसमें 3 GB RAM मिलता है, 32 GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है, तो ये भी प्रो बन जाता है। और इसमें कैमरास आपको अच्छे कैमरास मिलते हैं, 13 MP प्लस 8 MP, सो अच्छे से फ़ोटोज़ निकाल लेते हैं। और सिक्योरिटी भी है इसमें, फिंगरप्रिंट सेंसर, तो ये भी प्रो बन जाता है। आप प्रोसेसर की बात करेंगे तो प्रोसेसर नॉर्मल प्रोसेसर है, कुछ खास नहीं, बस नॉर्मल सा प्रोसेसर है। सो प्रोसेसर को आप प्रो नहीं कर सकते, कॉन में नहीं कर सकते, बस मिड रेंज टाइप रख सकते हैं। सो यही है प्रोस कॉन्स इस फ़ोन के। अगर मेरे ओपिनियंस की बात करूँ तो ये फ़ोन एक बहुत ही अच्छा फ़ोन है, एक एंटरटेनमेंट फ़ोन है और एक स्टैंडर्ड फ़ोन है। अगर आपका बजट 7,000 है तो आप ले सकते हैं ये फ़ोन सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। और गेम्स आप ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिए इस फ़ोन में, क्योंकि मीडियाटेक 6737 प्रोसेसर है, तो गेम्स आपको बहुत ही एवरेज मिलेंगे। बिल्कुल आप छोटे मोटे या मिड रेंज गेम आप खेल सकते हैं। अगर आप एस्पेल्टेट जैसे हाई एंड गेम्स खेलेंगे तो आपको लैगिंग और फ्रेम ड्रॉपिंग्स बहुत अच्छा मिलेंगे, इसलिए आप इसमें जस्ट मिड रेंज गेम खेल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं खेल सकते। बाकी के चीज़ों के बारे में कहूँ तो आपको बैटरी बैकअप अच्छा मिलेगा, 4000 mAh बैटरी है। और आपको कैमरास भी अच्छे हैं इसमें, 13+8 MP, अच्छे फ़ोटोज़ निकल जाते हैं। और आपको इसमें रैम है 3 GB, तो मल्टीटास्किंग के लिए भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और इसमें स्टोरेज 32 GB है, तो आप स्टोरेज भी अच्छा यूज़ कर सकते हैं, कोई कमी नहीं होगी स्टोरेज की या रैम की, क्योंकि 3 GB 32 GB है इसलिए। और आपको सिक्योरिटी भी है, फिंगरप्रिंट सेंसर, तो ये इससे भी प्लस पॉइंट बन जाता है ये फ़ोन को। और आपको इसमें 3 सिम स्लॉट्स है, यानी आप 2 सिम के साथ एक मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हैं। सो ये सब आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं ये फ़ोन को। मेरे ओपिनियन में ये फ़ोन एक बेस्ट एंटरटेनमेंट फ़ोन है और एक स्टैंडर्ड फ़ोन है, बस गेमिंग के लिए ये फ़ोन बिल्कुल भी नहीं है, बाकी की चीज़ों के लिए आपको ये फ़ोन परफेक्ट रहेगा। जो लोग आप पहली बार एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करेंगे उनको परफेक्ट रहेगा, या सेकेंडरी फ़ोन की तरह भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली आप स्टैंडर्ड यूज़र हैं तो आप ये फ़ोन ले सकते हैं, और हाई हैवी यूज़र है तो आपको ये फ़ोन बिल्कुल उतना बेटर नहीं लग रहेगा, क्योंकि हैवी यूज़र्स के लिए ये फ़ोन नहीं है, नॉर्मल और स्टैंडर्ड यूज़र्स के लिए ये फ़ोन परफेक्ट है। ये है मेरे ओपिनियंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए टेक हुसैन चैनल को बहुत सारे हिंदी वीडियोस के लिए। और मेरा नाम एसके हुसैन है, टेक हुसैन से। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू और साइनिंग ऑफ।